गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आशा है आप लोगों की छुट्टियां अच्छी रही होंगी चलिए अब अपने दैनिक कार्य की ओर बढ़ते हैं आज हम चतुर्दश पाठ है चौदवा पाठ आर्यभट्ट आर्यभट्ट पढ़ेंगे आर्यभट्ट जैसा कि आप इन नाम से भी विख्यात होंगे आप इनके नाम को भली भांति जानते होंगे कि आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम शून्य दशमलव की खोज की थी आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए और किस प्रकार से अपना योगदान दिया भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने इन्हीं मनीषियों में अगर अग्रगण्य थे आर्यभट्ट दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोगता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है चलिए अब हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं आर्यभट्ट यह पाठ आर्यभट्ट से ही संबंधित है पूर्व दिशायाम उदेती सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गछति इति दृष्टि ही लोके सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में छुप जाता है यह देखा जाता है संसार में परम अनेन अवबोध्यमस्ती मस्ती यतु सूर्य गतिशील इति परंतु परंतु इससे यह नहीं जाना जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है ऐसा सूर्य चल पृथ्वी चला या स्वीर्य अक्षय घुन्नति इति सांप्रता सुस्थपित सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है जो अपने अक्ष पर घूमती है इति सांप्रदाय सुस्थापित सिद्धांत है यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया था सिद्धांतों प्रथमेन येन प्रवर्तित है सिद्धांत को सब प्रथम जिसने स्थापित किया था सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिविरचा आर्यभट वो थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्य भट्ट पृथ्वी स्थिर वर्तते पृथ्वी स्थिर है इति परंपराए प्रचलिता रूढ़ी तेन दिष्टा इस परंपरा वाली प्रथमा प्रथा को नकारा नकार दिया उन्होंने इस प्रथा को नकार दिया तेन उदातम यद गतिशीलाय नौकाय उपविष्टम मानवा उन्होंने उधार उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर स्थरा अन्यना चाप प्रदार्थन गतिशीलन अवगछति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों का गतिशील समझा समझता है एवमेव है पृथ्वी अवस्थित मानवा पृथ्वी स्थिर मुनुभावती सूर्य ग्रहणा चा गतिशीला वेती इस प्रकार एवं इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है को तो गतिशील जानता है चार सौ छिहत्तर चार सौ छिहत्तर तमें ख्रिस्ताबे तू में वर्ष आर्यभट्ट जन्म लब्ध लब्ध लब्धनीति चार सौ छिहत्तरतमें खिस्ताब्दे ष्सचतमें वर्षे आर्यभ्ट जन्म विरचिते तरचिता इतिशा ग्रंथे उल्लेखितम चार सौ छिहत्तर ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में लिखित है ग्रंथेव तेन तिर यह ग्रंथ उन्होंने तेईसवे वयासी विरचित तेईसवे वर्ष में रचिए ऐतिहासिक स्तोभी ज्ञाते यता पाटलिपुत्र निक्षा आर्यभट्ट वैदशाला आसीत ऐतिहासिक स्रोतों से ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के निकट आर्यभट्ट की वैदशाला थी अनेन इदाम अनुमत ये कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी आर्यभट्ट गणित ज्योतिषा वर्तता यत्र यख्यान आकलन महत्वा अदति आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है इससे संख्याओं का आकलन महत्व रखता है आर्यभट्ट फलिता ज्योतिष शास्त्र च विश्वस्मा आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे गणित्य गणित्य पदित्य कृतम आकलन मृतः एवं एव तेन प्रतिपादित पद ग्रहण राहु केतु नाम को दानवा नास्ति कारणम गणित्य पद्धति गणित्य पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है ग्रहण में राहु केतु राक्षस कारण नहीं है तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणी एव कारण थी इससे सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं सूर्य परिता भ्रमते पृथ्वी चंद्रशय परिक्रमा पाथेन संयोगदय ग्रहण बहुति सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के व चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से होने के कारण ग्रहण होता है होने के संयोग के होने के कारण ग्रहण होता है यदा पृथ्वी छाया छायापातेन चंद्रशय प्रकाश अवृतः तदा चंद्रग्रहण भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है तथेव पृथ्वी सूर्य मध्य समागत से चंद्रशय छायापातेन सूर्यग्रहण दृश्यते वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है सूर्य ग्रहण दिखाई देता है समाज नूतनाम विचारण स्वीकारने प्राय सामान्य कठिने कठिन मनुभवंती समाज में नए समाज में नए विचारों को अपनाने में प्राय सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथेव आर्यभट्ट से विरोध अभवत भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ तस्य सिद्धांते उपेक्षता उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई ना पंडित मान्य उपहास पात्र जात है उस वे स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास के पात्र बने उपहास के पात्र बने पुनरअपि तस् दृष्टि कालतः गमनी दृष्ट आधुनिक वैज्ञानिक वैज्ञानिकें तस्मिन तस् सिद्धांत समाधारा प्रकटित फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांगने वाली थी फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांगने वाली थी आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें व उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया कारणाम कारण प्रथमो ग्रहस नामे ग्रह नाम आर्यभट्ट इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया वस्तुतः भारतीय गणित अथाचा विज्ञान विज्ञानपरमराएं असो एका शिखर पुरुषम आसीत वास्तव में ये भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के शिखर श्रेष्ठ पुरुष थे बच्चों जैसा कि आप लोगों ने इस पाठ में पढ़ा कि आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम दशमलव की खोज की उनका कहना था कि पृथ्वी स्थल है लेकिन उन्हें नकार दिया गया उन्होंने ही आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है उन्होंने संख्याओं का आकलन किया उन्होंने दशमलव की खोज की उनका मानना था कि जो पहले के लोग मानते थे वो उनका कारण यह था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु के कारण होते हैं लेकिन आर्यभट्ट ने का मानना था कि यह इसमें राहु केतु का कोई दोष नहीं इसमें सूर्य चंद और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं और उन्होंने सिद्ध भी किया कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी व चंद्रमा के प्रतिमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पढ़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है सूर्य ग्रहण दिखाई देता है समाज में नए विचारों को अपनाने में लोग को थोड़ी सी कठिनाई होती है ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि हर कोई जल्दी से कोई नया विचार या नए पद्धति को अपनाते नहीं है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध किया आर्यभट्ट का भी विरोध किया गया किया गया लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों का आदर किया और यही कारण है कि हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया बच्चों आशा है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा